मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में मजे लूटते सरकारी कर्मचारी और परेशान होता गरीब। 13 जून को रामेश्वरम के लिए गुना जिले से गए 193 यात्री आज वापस लौटे। इस यात्रा में सभी को रामेश्वरम धाम के दर्शन करवाने थे। आज जब ये यात्री वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि जो शासकीय कर्मचारी गए थे वो अपने परिजनों को साथ लेकर गए थे, साथ ही रास्ते में कई बार उन्होंने उतारने की धमकी भी दी। ये सभी ऐसे इधर दिखा देना। चार पांच साथ में और था सीजर, वो आगा सा वो टोपे वाला जो मैं करता हूं। नहीं है वो 90 है, उसमें तो नहीं। ये तो मारो चलो महाराज। एक महिला यात्री ने बताया कि रास्ते में किसी भी कर्मी से कुछ पूछो तो वह गाड़ी से नीचे उतारने की धमकी देता नजर आया। दो मतलब दो बातें, तीन नंबर मालक बढ़ते थे, दो नंबर मालक बढ़ते थे। ऐसा क्यों पता गई हमको? हम कहते थे क्योंकि ट्रेन से बाहर कर देंगे, क्या देते तो उन्होंने कह रहे थे ट्रेन से बाहर कर देंगे तुम्हें, तो उन ऐसे सोचा जनता से ऐसे कहते रहे हमसे कि तुम्हारा तुम किसके साथ आई हो, कि तुम भी तो किसके साथ आ, मतलब तुम भी तो ये लाए ये भी किसके साथ आई होंगी, तो हमने कहते ही नहीं तो उनके ट्रेन से बाहर कर देंगे बैठना। उक्त महिला ने इसकी लिखित में शिकायत इस यात्रा के प्रभारी भूपेंद्र गोयल को दी है, साथ ही गोयल ने मामले की जांच कर दंड देने की बात भी कही है। आपने आज शिकायत की है, उस शिकायत के बाद जो है वो संबंधित को बुलाया जाएगा और उससे जानकारी ली जाएगी कि वो किस किस को लेके गया है, वो कैसे गया है। यदि वो गलत लेके गया है तो उसकी जाँच करवाई जाएगी, जाँच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। समझ से परे है कि यदि उक्त कर्मचारियों के परिजनों के टिकट नहीं थे तो वो सफ़र किसके टिकट पर कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस बात को कितनी गंभीरता से लेता है।